मैं हिस्सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी शुरू की गई और जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी, मगर अब टेरर फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यूएपीए के तहत एक्शन लिया है और सरकार ने नोटिफिकेशन में बैन करने के 10 कारण बताते हुए कहा है कि पीएफआई से जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से जुड़े जो 8 संगठन हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन संगठनों के नाम है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। ऐसे 8 संगठन हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, इन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पीएफआई पर बैन लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए आरएसएस को भी बैन करने की मांग की है। ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए। साथ ही ये भी लिखा है कि आरएसएस को इसके पहले भी बैन किया जा चुका है और पहले लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, मगर अब जो है पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। 5 साल के लिए जो है पीएफआई और उसके जुड़े संगठनों पर बैन लगाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन जो है ये देश के लिए खतरा हो सकते हैं।